there guys, what's up? Welcome back to my channel Clash with Aways, जहाँ मैं आपको सिखाता हूँ Clash of Clans की strategies, जो आपको easily 3 star दिला सके home base and builder base दोनों में. Yo, so guys, last video में हमने देखा था Town Hall 10 के लिए GVV strategy, Giants, Witches and Wizards, जो एक बहुत ही awesome strategy थी, easily आपको 3 star मिल सकते हैं उसे use करके. तो चलिए, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. ये एक एक्टिव चैनल है, क्लैश ऑफ क्लैंस की नई नई स्ट्रेटजीज आपको मिलती रहेंगी, ऑसम एंड इनोवेटिव स्ट्रेटजीज. सो सब्सक्राइब करना ना भूलिए. चलिए फिर बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ. आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक अमेजिंग आर्मी, एयर आर्मी ड्रैग बैट. जी हाँ, ड्रैगन और बैट स्पेल यूज़ करेंगे हम ये आर्मी में. ड्रैग बैट ये ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी है आजकल. चलिए फिर देख लेते हैं आज की आर्मी. आज मैं यूज़ करने वाला हूँ 9 ड्रैगन्स, 8 बलून्स और 2 बेबी ड्रैगन्स. और स्पेल्स में मैंने लिए हैं 2 रेज स्पेल, 1 फ्रीज और 6 बैट स्पेल्स. रेज हमें एक ही लेना है, एक रेज की जगह 2 फ्रीज लेना है, क्योंकि बैट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा फ्रीज चाहिए होगा. तो हमारे पास हो गए 3 फ्रीज, 1 रेज और 6 बैट स्पेल्स. और क्लैन कासल में मैंने लिए 7 बलून्स, 1 फ्री स्पेल और 1 स्टोन स्लैमर. और हीरोज है दोनों. चलिए फिर बढ़ते हैं आज के अटैक की तरफ. देखिए ये बेस है, तो इसमें क्या हमें पहले क्या करना है, बार्बीजन किंग और आर्चर क्वीन और दोनों बेबी ड्रैगन से फरन करना है. एक साइड बार्बीजन किंग, फिर बीच में 2 बेबी ड्रैगन्स और दूसरी साइड आर्चर क्वीन. फिर जैसे ही फनल हो जाए क्रिएट, हम डाल देंगे सारे ड्रैगन्स. देखिए बार्बीजन किंग और आर्चर क्वीन डाल दिया है और दोनों के बीच में डाल दिए बेबी ड्रैगन्स. देखिए जैसे ही बिल्डिंग्स क्लियर हो गई और ये सीसी में से निकल चुका है इलेक्ट्रो और बलून. सो आर्चर क्वीन के हिट पॉइंट डाउन हो चुके हैं, तो इजीली डाउन हो जाएगी, लेकिन कोई टेंशन नहीं, हमारे पास है सारे ड्रैगन्स. तो अब फनल हो चुका है क्रिएट, तो हम डाल देंगे सारे ड्रैगन्स. देखिए एक लाइन में जा रहे और उनके पीछे बलून्स. और स्टार्टिंग में रेज दे देंगे ताकि वो फास्ट एक्शन कर सके. और दूसरी कॉर्नर में हम डाल देंगे स्टोन स्लैमर ताकि वो एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर दे. यहाँ पर मुझे मैक्स स्टोन स्लैमर नहीं मिला, इसलिए इजीली डाउन हो जाएगा. आपको अगर मैक्स स्टोन स्लैमर मिल जाएगा तो वो बहुत बहुत इजी आपको अटैक 3 स्टार कर जाएगा. और ये स्टोन स्लैमर इजीली डिस्ट्रॉय हो चुका है. और अब हम डाल देंगे सारे बैट्स. और याद रखिएगा, बैट्स को प्रोटेक्ट करना होता है मल्टी इन्फर्नो और विजार्ड टावर से, तो उन्हें हमेशा फ्रीज रखना है. इसीलिए फ्रीज ले है मैंने एक रेंज की जगह पर. और ये देखिए लास्ट विजार्ड टावर भी हो चुका है डाउन, तो सारे विजार्ड टावर्स हो चुके हैं डिस्ट्रॉयड. तो ये अटैक अब हमारा इजीली हो जाएगा एक 3 स्टार. डिफेंसिस में देखिए बचे हैं सिर्फ एक मोर्टार और एक डबल कैनन, वो भी दोनों ग्राउंड है, इसीलिए वो हमारे ट्रूप्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे. सो इजीली ये अटैक हमारा हो गया एक 3 स्टार. ध्यान रखिए मुझे मैक्स बेस यहाँ पर नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं कोई भी बेस पर आपको करके दिखा रहा हूँ. आपको बस टेक्निक सीखनी है. अगर आपका टेक्निक सही है और ट्रूप सही है तो आप कोई भी बेस पर इजीली 3 स्टार कर सकते हैं मैक्स मिले तो. और इसी के साथ हमारा अटैक हो चुका है एक परफेक्ट 3 स्टार अटैक. लेट्स रोल फॉर द अनदर अटैक यूजिंग ड्रैग बैट स्ट्रेटजी. देखिए ये ऑलमोस्ट एक मैक्स बेस दिख रहा होगा आपको, सिर्फ वॉल्स बची है और विजार्ड टावर. चलिए फिर जैसे ही पहले आपको बताया था, एक साइड बार्बीजन किंग, दूसरी साइड आर्चर क्वीन और दोनों के बीच में बेबी ड्रैगन्स. और साथ ही यहाँ पर मैंने 2 बलून छोड़ दिए ताकि वो आर्चर टावर को डिस्ट्रॉय कर दे. और ये सीसी में से निकल चुका है इलेक्ट्रो ड्रैगन और बलून.
अब जैसे ही फनल हो जाएगा क्रिएट, मैं डाल दूंगा हमारे सारे ड्रैगन्स। यहाँ पर विजार्ड टावर डिस्ट्रॉय हो सकता था, इसलिए मैंने एक बलून डाल दिया। देखिए विजार्ड टावर हो चुका है डिस्ट्रॉय, तो अब हमारे बैट्स के लिए ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। सो अब हम डाल देंगे सारे ड्रैगन्स और उनके पीछे बचे हुए बलून्स और रेज रेज डाल देंगे इजीली, ताकि वो फास्ट एक्शन कर सके। और अब दूसरे कॉर्नर में हम डाल देंगे स्टोन स्लैमर एयर डिफेंस। याद रखिएगा जो दूसरे कॉर्नर का एयर डिफेंस है उसके पास ही आपको स्टोन स्लैमर डालना है, ताकि वो एयर डिफेंस को डाउन कर सके। और यहाँ देखिए मैंने बैट स्पेल डाल दिया डायरेक्ट विजार्ड टावर के ऊपर और उसे फ्रीज कर दिया था। सो अब देखिए सारे विजार्ड टावर्स हो चुके हैं डाउन, और यहाँ पर जो है वो इन्फर्नो भी मल्टी नहीं है, सिंगल है, वो भी हमने फ्रीज डाल दिया है और एयर डिफेंस पर भी फ्रीज डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं एक और अटैक हमारा इजीली हो जाएगा 3 स्टार। अब बचा इजी वेक आर्चर टावर और मोर्टार और बलून्स, देख सकते हैं बहुत सारे, तो इजीली उसे डाउन कर देंगे और जो हमारे ड्रैगन्स बाकी का बेस क्लियर कर देंगे। और टाइम भी हमारे पास बहुत बचा हुआ है, सो इजीली अटैक भी हो जाएगा एक 3 स्टार अटैक ड्रैग बैट स्ट्रेटजी टाउन हॉल 10 के लिए। सो गाइस इसी के साथ हमारा एक और अटैक जा रहा है 3 स्टार की तरफ ड्रैग बैट स्ट्रेटजी यूज़ करके। आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा तो आपको भी इजीली 3 स्टार मिल जाएगा, कोई भी बेस हो, मैक्स हो या नहीं हो। याद रखिएगा ट्रोप्स मैक्स करना है आपके तो भी आपको मैक्स बेस पर भी 3 स्टार मिलेगा, और स्टोन स्लैमर मैक्स मिले तो। ये देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट अटैक मैंने शुरू कर दिया है, डाल दिया है वाइब्रेंट किंग आर्चर क्वीन और दोनों के बीच में डाल दिया है बेबी ड्रैगन। और सीसी में से निकल चुका है एक इलेक्ट्रो और एक बलून। आर्चर क्वीन की एबिलिटी अभी भी बाकी है और वो हो चुका है यूज। सो गाइस फनल हो चुका है क्रिएट, तो अब डाल देंगे सारे बचे हुए ड्रैगन्स और बलून्स, और जैसे ही वो जाए सेंटर में तो डाल देंगे उन पर रेज, ताकि वो इजीली इलेक्ट्रो को डाउन कर दे। देख सकते हैं आप 2 सेकेंड के अंदर इलेक्ट्रो डाउन हो चुका है, ऑसम। और अब जो है वो दूसरी जगह एयर डिफेंस के पास में हम डाल देंगे स्टोन स्लैमर, ताकि वो एयर डिफेंस को डाउन कर जाए। यहाँ पर देखिए मेरे पास मैक्स स्टोन स्लैमर नहीं है, इसलिए वो इजीली डाउन हो पा रहा है। अगर आपको मैक्स मिल रहा है तो वो इजीली एयर डिफेंस को डाउन कर जाएगा। सो अब हम चालू कर देंगे बैट्स। बैट्स के लिए पहले ही विजर्ड टावर को फ्रीज कर दिया है, देख सकते हैं आप। और अब एक भी विजर्ड टावर नहीं बचा है, सो ऑसम ऑसम वर्क फॉर आर बैट्स। अब बचा है सिर्फ एक एयर डिफेंस, एक आर्चर टावर, एक मोर्टार। सो इजीली हमारे बैट्स ने उन्हें भी डाउन कर दिया है। सो गाइस एक और अटैक हमारा हो जाने वाला है 3 स्टार यूजिंग द ड्रैग बैट स्ट्रेटजी। एक भी डिफेंसिस नहीं बचे और हमारे मैक्सिमम ड्रैगन्स बैट्स और बलून्स बचे हुए, सो बाकी का बेस क्लियर कर देंगे इजीली। वंडरफुल अटैक गाइस, ये अटैक भी हमारा हो चुका है परफेक्ट 3 स्टार अटैक यूजिंग द ड्रैग बैट स्ट्रेटजी। चलिए देखते हैं एक और अटैक ड्रैग बैट स्ट्रेटजी के साथ ही। देखिए बार्बी रैंकिंग डाल दिया है, अब दूसरी कॉर्नर पे डाल दूंगा आर्चर क्वीन और दोनों के बीच में डाल दूंगा बेबी ड्रैगन्स और 2 बलून जो है वो आर्चर टावर को डाउन करने के लिए डालता हूँ मैं। आपको भी डालना हो तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो बाद में यूज कर सकते हैं। बलून डालने से क्या फायदा होगा कि वो सीकिंग एयरमाइंस को डिटेक्ट कर लेंगे, और देख सकते हैं अब सीकिंग एयरमाइंस ने उन्हें ऐसे ही डाउन कर दिया। अगर हमारे ड्रैगन को सीकिंग एयरमाइंस ने डिटेक्ट किया तो हमें मुश्किल हो सकती है, इसीलिए बलून डाल दीजिए पहले ही। और अब देखिए फनल हो चुका है क्रिएट, तो मैं डाल दूंगा सारे ड्रैगन्स और उनके पीछे बचे हुए बलून्स।
सीसी में से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। यहाँ पर एक इन्फर्नो मल्टी है और एक सिंगल है, सो मैंने पहले मल्टी इन्फर्नो को ही टारगेट बनाया, इसीलिए मैंने उस तरफ से अटैक किया। याद रखेगा मल्टी इन्फर्नो और विजार्ड टावर मेन डिस्ट्रॉय करना है ताकि बैट्स को फुल सेफ्टी मिले। और अब दूसरी कॉर्नर में मैं डाल दिया स्टोन स्लैमर जो जा रहा है विजार्ड टावर की तरफ, और उसने विजार्ड टावर को कर दिया है डाउन। सो अब हम चालू कर देंगे हमारे बैट्स, विजार्ड टावर को रखना है फ्रीज। और अब आप देख सकते सिर्फ बचा है एक विजार्ड टावर, और लास्ट विजार्ड टावर पर जो है वो हमारे बलून्स पहुंच चुके हैं मैक्स लेवल के, सो इजीली वो उसे भी डाउन कर देंगे। सो गाइस सारे डिफेंसेस हो चुके हैं डाउन, सो ये अटैक भी हमारा हो जाएगा एक इजी 3-स्टार अटैक। बैट्स बचे, ड्रैगन्स 2 बचे और बलून्स बचे, सो एक और अटैक हमारा जा रहा है 3-स्टार की तरफ यूजिंग ड्रैग बैट स्ट्रेटजी। ऑसम अटैक गाइस। और इसी के साथ एक और अटैक हो चुका है हमारा 3-स्टार ड्रैग बैट आर्मी के साथ। चलिए फिर बढ़ते एक और लाइव अटैक की तरफ। देखिए ये बेस मिला है, ऑलमोस्ट मैक्स दिख रहा होगा आपको, सिर्फ विजार्ड टावर बचे और कुछ वॉल्स, इन्फर्नो तो मैक्स ही है। तो चलिए फिर डाल देते हैं हमारे हीरोज बार्बेरियन किंग आर्चर क्वीन एक एक कॉर्नर पे, और दोनों के बीच में डाल देंगे बेबी ड्रैगन। तो अब दोनों हीरोज डाउन होने वाले, फनल हो चुका है क्रिएट, तो हम डाल देंगे सारे ड्रैगन्स और बलून्स। और दूसरी कॉर्नर में डाल देंगे स्टोन स्लैमर, और यहाँ पर रेज यूज कर लिया है ड्रैगन्स के ऊपर, और एक और विजार्ड टावर हो चुका है डाउन। स्टोन स्लैमर में भी एक विजार्ड टावर को डाउन कर दिया है। अब चालू कर देंगे हमारे बैट्स, बचा है सिर्फ एक विजार्ड टावर, सो इजीली वो भी डाउन हो जाएगा। 2 फ्रीज बचे हैं हमारे पास और ये वो भी डाउन हो चुका है, तो सारे विजार्ड टावर डाउन हो चुके हैं। एयर डिफेंस बचे हैं 2, हमारे पास बहुत सारे ड्रैगन्स है बैट्स है, तो ये अटैक भी इजीली हो जाएगा एक 3-स्टार अटैक। लेट्स सी। और अब ये लास्ट एयर डिफेंस हो चुका है डिस्ट्रॉय, अब बचा है सिर्फ एक कैनन, वो भी डिस्ट्रॉय है, बॉम्ब टावर भी डिस्ट्रॉयड। तो गाइस देख सकते हैं अब सारे डिफेंसेस हो चुके हैं डाउन, बचे हैं 5-6 ड्रैगन्स और बैट्स। बैट्स जो है वो गोल्ड स्टोरेज के ऊपर है और क्वीन उन्हें अटैक कर रही है, जैसे वो गोल्ड स्टोरेज डिस्ट्रॉय कर देंगे फिर वो जाएंगे क्वीन की तरफ। और इसी के साथ क्वीन हो चुके हैं डाउन, सो अब ये अटैक इजीली हो जाएगा एक 3-स्टार अटैक ड्रैग बैट आर्मी के साथ। सो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा फ्रेंडली चैलेंजेस लेकर, ट्रूप्स मैक्स करके, इजीली आर्मी आपको भी 3-स्टार दिला जाएगी। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी, आपने यूज़ की, आपको 3-स्टार मिले या नहीं। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय गाइज़।